डियर स्टूडेंट्स, एक नया एपिसोड 4 नंबर का अपने सेगमेंट में आज हम लोग करेंगे। हालांकि आज टाइम काफ़ी निकल गया है, ये मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास आ जाता है। आपका टाइमिंग मॉर्निंग में 6 या उससे कुछ घंटे पहले ही है, नए एपिसोड्स आ जाते हैं। लेकिन आज नहीं आ पाया, टाइम आगे निकल गया है, तो कल मॉर्निंग नहीं, परसों मॉर्निंग में हम लोग 5 नंबर का एपिसोड करेंगे। और सैटरडे और संडे हम लोग का रिविज़न डे होता है, जिसमें सैटरडे हम लोग प्रैक्टिस सेट्स करते हैं। इस बीच आपने कुछ बहुत अच्छे टॉपिक्स किए हैं जिसे संडे और सैटरडे को रिवाइज करना है। जैसे आपने किया प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसे सैटरडे और संडे को जरूर रिवाइज करें। इस बीच पॉलिटी में आपने बहुत अच्छा टॉपिक किया, स्रोत, भाग और अनुसूची, इससे भी एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। और एक बहुत अच्छा टॉपिक आपने किया स्पीडी के जीके जीएस से, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3, जिसमें भारत और विश्व, सौर मंडल, पृथ्वी, अर्थ, ये सब बहुत अच्छे टॉपिक्स थे जिस पर जीके जीएस के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो 3-4 बहुत अच्छे टॉपिक्स आपने एसपीडी में किए और 2-3 टॉपिक्स आपने अपने सब्जेक्ट लूसेंट या क्राउन में आपने किया है। तो ये सैटरडे और संडे को आपको रिवाइज भी करना है। और ये याद रखें कि टॉपिक पर बेस्ड हर सैटरडे आपको 100 क्वेश्चंस का सेट भी उपलब्ध होगा। तो ये सब हम लोग करते रहेंगे, बीच में अगर हम नहीं रहते हैं तो आपके लिए ही हम काम कर रहे होते हैं। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें आज हम लोग सबसे पहले टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले 10 क्वेश्चंस करेंगे, जो आपका 10 क्वेश्चंस का आज का टेस्ट होगा, जिसमें कट ऑफ होगा आज 8 का। 8 का मतलब बहुत अच्छा, 7 का मतलब अच्छा, 7 से कम का मतलब मेहनत बढ़ाना है। चलिए बनाते हैं आज के सबसे पहले वे 10 क्वेश्चंस जो हम लोग डेली करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि संगम, सालुव, तुलुव और अरविदु वंश का संबंध किस साम्राज्य से है, किस काल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विजयनगर साम्राज्य। इसके अंतर्गत 4 वंश थे जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी, जो संगम वंश से संबंधित थे। 1565 में तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के बीच तनाव का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत और पाकिस्तान। सर क्रीक गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच दलदली क्षेत्र है जो कच्छ के रण में स्थित है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, बोरा जो एक स्थानीय पवन है, लोकल विंड है, किस क्षेत्र में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रियाटिक सागर, जो इटली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ठंडी हवा है, अत्यधिक कोल्ड विंड है। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जलीय क्षेत्र में सबसे अधिक लवणता, सैलिनिटी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉन झील, टर्की, तुर्की का वॉन झील, जो सबसे अधिक सैलाइन है, सबसे अधिक खारा है। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, सेपक टकरा किस देश का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मलेशिया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ये खेल विशेषकर लोकप्रिय है। ये दरअसल एक वॉलीबॉल टाइप का खेल है जो हाथ से नहीं पैर से खेला जाता है। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन, काला ज्वर यानी कालाजार किसके संक्रमण से फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई। लिशमानिया नाम के पारासाइट के संपर्क में आने से बालू मक्खी से ये इंसानों में फैलता है। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन, मध्यकाल में सद्र उस्सुदूर किस प्रकार का अधिकारी था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धार्मिक विभाग का प्रधान, सद्र उस्सुदूर था, जबकि काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रधान था, जिसे संक्षेप में काजी भी कहते हैं। नेक्स्ट, आठवां क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कहाँ स्थित है, इसका हेडक्वार्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक में, मैसूर में। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, संगाई किस राज्य का स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर का ये एक हिरण है, विशेष प्रकार का, जो इंडेंजर्ड एनिमल है। IUCN के द्वारा इसे संकटापन्न प्रजाति के लिस्ट में रखा गया है। दसवां और लास्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पॉलिटिक्स शब्द किसने दिया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु यानी एरिस्टोटल। अरस्तु ने अपनी बुक पॉलिटिका में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अरस्तु को ही फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, जिनका जन्म चौथी शताब्दी से पूर्व में 4th century BC में यूनान यानी ग्रीस में हुआ था। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक्स पर, जिसमें आज हम लोग तीन तीन टॉपिक्स कर रहे हैं सब्जेक्ट से। जिसमें पहला टॉपिक हिस्ट्री से आज हम लोग कर रहे हैं सिंधु सभ्यता, दूसरा हम लोग साइंस में कर रहे हैं आवर्त सारणी यानी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, और तीसरा हम लोग पॉलिटिकल साइंस में आज कर रहे हैं राज्यों का पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ये तो तीन टॉपिक्स होंगे हम लोगों के सब्जेक्ट से, और फिर हम लोग स्पीडी के साइंस और जीके जीएस से भी टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री का, जो आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे। आपने पहले ही प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत किया है, इसे बार बार पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपने किया। आज इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके सारे डिटेल्स आपको लेने हैं, 3 से 4 पेजेस में ये दिए हुए हैं शॉर्ट में। ये सभ्यता कहाँ से आई, ये कैसे फैली, किन किन क्षेत्रों में, इसके स्थलों के अलग अलग नाम और नदियों के नाम पूछे जाते हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, लोथल पिछले सेट में था कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कालीबंगा है, कोटदीजी है, ये सारे नाम आपको समझना है, किसने इसे खोजा, किस नदी के किनारे स्थित हैं, यहाँ क्या मिला, और इनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विशेषकर इनका व्यापार ट्रेड एंड कॉमर्स जो आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर चलता था। मध्य एशिया से ये व्यापार करते थे, तो क्या व्यापार करते थे, तो सिंधु सभ्यता आज का पहला टॉपिक आपका है। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग केमिस्ट्री में कर रहे हैं, जो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं इनके करेक्टर को समझना है, क्या है आवर्त सारणी, क्यों इसे सजाया गया इस प्रकार, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम समझना है, कैसे चरित्र बदल जाता है, मेटल्स को रखा गया लेफ्ट साइड, नॉन मेटल्स को राइट साइड रखा गया, बीच में जीरो ग्रुप भी है, ये सबसे लास्ट में जीरो ग्रुप किस प्रकार का एलिमेंट है ये समझना है, और मेंडलीफ से लेकर मोसले साहब ने कौन सा कैरेक्टरिस्टिक अपनाया इन एलिमेंट्स को सजाने में। तो आवर्त सारणी आप करें और इनके एलिमेंट्स को समझें, क्यों किसी विशेष वर्ग या आवर्त में इन तत्वों को रखा गया है। उसका तीसरा टॉपिक आज इंडियन पॉलिटी में होगा राज्यों का पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। भारत जब स्वतंत्र हुआ तब राज्यों की संख्या 14 थी, लेकिन आज राज्यों की संख्या 28 है, तो इनका रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, कैसे अलग अलग राज्य अपने बड़े राज्यों से सेपरेट होकर अपने अस्तित्व में आए, जैसे पंजाब से हरियाणा अलग हो गया, महाराष्ट्र से गुजरात अलग हो गया, बॉम्बे से गुजरात अलग हो गया, उसके बाद नागालैंड असम से अलग हुआ, ये सब धीरे धीरे कैसे अलग होते गए। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, भाग 1 पार्ट 1 अनुच्छेद आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आपको करना है। उसके बाद हम लोग स्पीटी के रेलवे सामान्य ज्ञान और रेलवे सामान्य विज्ञान यानी जीके जीएस और साइंस वाले बुक से हम लोग कुछ पेजेस लेते हैं। ये सारे वन लाइनर्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन इसमें इतने अच्छे कलेक्शंस हैं कि हम लोग ये सारे अगर स्कैन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा बेनिफिट इन द लॉन्ग रन मिलेगा। तो जीके जीएस वाले सेगमेंट से आज हम लोग 2 पेजेस ले रहे हैं, एवरीडे हम लोग 2 पेजेस लेते हैं, आज हम लोग 4 और 5 पेज नंबर 4 और 5 कर रहे हैं। पेज नंबर 4 में आप आएंगे तो 3 टॉपिक्स हैं, ये बॉक्स बना कर दिए हुए हैं, पहले में अंतरिक्ष है, दूसरे में ऐतिहासिक वर्ष है, जैसे कलिंगा युद्ध किस वर्ष हुआ, या खानवा का युद्ध कब हुआ, या पानीपत का युद्ध कब हुआ, महत्वपूर्ण वर्ष, और तीसरे सेगमेंट में है DRDO यानी रक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, DRDO जो भारत के लिए मिसाइल्स वगैरह बनाती हैं। तो इनके सारे डिटेल्स आपको लेने हैं पेज नंबर 4 में। उसके बाद पेज नंबर 5 पे आप जाएंगे, यहाँ पर भी 3 ऐसे बॉक्स में बनाए हुए टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम्स में दिखाई देते हैं, जैसे भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा, सबसे लंबा बांध, सबसे विशाल बांध, या सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, ये भारत के संदर्भ में। उसका बीच में आप आएंगे भौगोलिक उपनाम है, किसे कहते हैं अरब सागर की मोती, या किसे कहते हैं उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, तो ये सब भौगोलिक ज्योग्राफिकल नेम। और तीसरे टॉपिक में है वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। तो ये 3 टॉपिक्स पेज नंबर 5 पे जीके जीएस वाले एसपीडी के रेलवे सामान्य ज्ञान में आपको दिखाई देंगे। मात्र 2 ही पेज हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग सेट्स भी करेंगे, बहुत सारा सेट्स भी है, उसे भी बनाना है, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ 2 पेज दे रहे हैं। उसके बाद एसपीडी के साइंस वाले बुक से हम लोग कुछ पेजेस लेते हैं, 2-2 पेजेस स्टार्ट के अभी हम लोग ले रहे हैं, ऐसे 19। उसके बाद साइंस वाले सेगमेंट से एसपीडी के साइंस से हम लोग कुछ पेजेस करते हैं, जिसमें आज स्टार्ट के 2 पेजेस करेंगे, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6, जिसमें RRBs के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अलग अलग क्षेत्रों के वन लाइनर्स हैं, एक लाइन में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो ऐसे 2 पेजेस हम लोग करेंगे, 5 और 6। और फिर आप अंदर जाएंगे तो एक टॉपिक हम लोग लेते हैं, जो पेज में महत्वपूर्ण टॉपिक पर बेस्ड पेजेस आपको दिखाई देते हैं। आज हम लोग 99 नंबर पेज पे 2 सेगमेंट आप देखेंगे बॉक्स बना कर दिया हुआ है, एक डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट,
अलग अलग अनुसंधान संस्थान, जैसे मसाला अनुसंधान, सड़क अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ हैं? ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद कुछ विज्ञान की शाखाएं हैं, ब्रांचेज ऑफ साइंस, जैसे कोलोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, हर्पेंटोलॉजी या पीसी कल्चर, इसमें हम किसका स्टडी करते हैं? तो ये यहाँ पर दिया हुआ है एक पेज में, 99 नंबर पेज पे, साइंस के सेगमेंट में। तो आज बस इतना ही है, धीरे धीरे इसमें कुछ जुड़ेगा, उसके लिए आपको स्टडी आवर धीरे धीरे समाप्त बढ़ाना होगा। अभी आपको आज हम लोग 36 घंटे के लिए, कल मॉर्निंग में 6 बजे नहीं आएगा, उसके अगले दिन यानी परसों आएगा 6 बजे या उससे कुछ घंटे पहले ही आपका 5 नंबर का एपिसोड। और बीच में आप प्रैक्टिस सेट्स ज़रूर बनाते जाएं, हर 3 दिन पे जिनके पास टाइम कम है, और हर 2 दिन पे जिनके पास टाइम है, एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर बनाएं। चेक किया।